गा मेरे लिए भी नहीं थी, मैं पहली बार गया था। सिंजी है, उसके सिंजी से पहले जो है मंदिर खोला एक जगह थी। मैं अपने कुछ समर्थकों के साथ जो है वॉलंटियर के साथ एक स्कूल में बच्चों का एक कार्यक्रम था, तो हम लोग जा रहे थे। तो जाते जाते करीब 100 जो है उन्होंने एकदम आक्रमण कर दिया हमारे ऊपर, जो है अटैक कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो एम्बूश करके बैठे थे। जैसे हमारी गाड़ी रुकी, धड़ाधड़ जो है पत्थर बरसाए और उसके बहुत बहुत सारे जो है हथियार थे, धारदार हथियार थी, खुखरी उनके पास थी। तो ये सीधा सीधा प्लान था किसी तरह जो है सांसद की हत्या करें। और इस विषय की सीरियसनेस देख करके मैं खुद इसलिए जो है थाने में आया हूँ यहाँ पे अपनी रिपोर्ट FIR लिखाने के लिए। देखिए, प्रोटेस्ट करने का राइट सबको है, और मुझे इस चीज की भनक थी कि जो है काले झंडे दिखाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, MP गो बैक कहेंगे, ये मैं पीछे भी भुगत चुका हूँ। तो मुझे उसका कोई फिक्र नहीं, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर में सबको अधिकार है, अपनी बात रख सकते हैं, प्रोटेस्ट करना हो कर सकते हैं, कोई बात उनको शायद अच्छी ना लगी हो वो बात जनता को कह सकते हैं, लेकिन वहाँ तक ठीक है। लेकिन आप प्रोटेस्ट के बहाने जो है आप किसी की हत्या करना चाहो, मुझे लगता है ये जो है इतनी बड़ी जो है किसी ने, संविधान ने उनको ये राइट नहीं दिया, ये हक नहीं दिया है। ये सरासर जो है MP की हत्या करने की साजिश थी। और बेचारे जो 100 कार्यकर्ता थे, मैं उन पर भी आरोप नहीं लगाऊंगा, क्योंकि उनको कहा गया था विनय तामंग जी और अनित थापा जी ने कि आप जाओ प्रोटेस्ट करो और कोशिश करो कि हम इसको जिंदा यहाँ से जाने ना दें। तो ये सिचुएशन है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि अगर एक सांसद जो इतने मतों से जीत के गया, अगर वो भी सुरक्षित नहीं है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ के लोग, यहाँ के नागरिक, यहाँ की जनता, उनकी क्या अवस्था होगी। देखिए, मेरे साथ विधायक खुद खड़ी हैं, इनको भी रोका गया, एक रास्ते से इनको रोका गया, बेचारे घूम के 2 घंटे दूर दूसरे रास्ते से आई, वहाँ पे भी इनको जाने नहीं दिया। तो लॉ एंड ऑर्डर तो है ही नहीं, लेकिन आज तक मैंने सुना था, मैं पीछे एक बार दार्जिलिंग में उसको देख चुका हूँ, लेकिन आज जो सिचुएशन देखी ये काफ़ी डरावनी है। और इसके बावजूद कि मुख्यमंत्री इसी क्षेत्र में आई हुई है, और मात्र इस जहाँ ये घटना घटी उससे 50 किलोमीटर दूर पे वो है, तो ये सरासर जो है हत्या करने की एक साजिश थी। अभी मैंने थाने में रिपोर्ट लिखाई है, मैंने उनसे कहा है देखिए आपके हो सकते हैं हमारे विचारधारा न मिले, मैं समझ सकता हूँ आपकी मजबूरी, लेकिन इसके ऊपर में कड़ाई से कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो गलती करता है उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर लॉ एंड ऑर्डर जो है पुलिस उसकी अगर सुरक्षा नहीं दे सकती, तो फिर तो भगवान ही मालिक है। आपने इसके जो घटना घटी है उसके बारे में, देखिए कोई पॉलिटिकल नहीं था, मैं यही बता रहा हूँ, मैं BJP से बिलोंग करता हूँ, मैंने अपने जिला अध्यक्ष को आप फोन करके पूछना, उसको सिलीगुड़ी में ही रोक दिया था, क्योंकि ये पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, एकेडमिक प्रोग्राम है, बच्चों का कार्यक्रम है, मैं खुद जाऊंगा, तो मैं उस कार्यक्रम के लिए गया था। इसीलिए आज मेरे साथ समर्थक भी बहुत कम थे, हमारे पास गाड़ियाँ भी 4-5 ही थोड़ी थी। और कल मैंने SP को बता दिया था कि आप देखिए इस तरह की घटना हो सकती है, उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं किया, मुझे इस बात का दुख है। और अगर पुलिस चाहती, 80-100 लोग वहाँ पे थे, पुलिस चाहती तो 1 घंटे पहले अपने 20-25 फोर्स वहाँ पे भेज करके उनको रफा दफा कर सकती थी, बट कहीं ना कहीं उन्होंने भी ये होने दिया, मुझे इस बात का दुख है। अब पुलिस को जवाब देना है, अगर आप सांसद को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो ये लॉ एंड ऑर्डर किस काम की? फिर आप जो इतनी भर्ती करके, इतनी तनख्वाह लेकर के लोगों की रक्षा करने के लिए बैठे हो, वो किस काम का? सो अल्टीमेटली जवाबदेही किसी न किसी की होनी पड़ेगी। तो आज आपने जो FIR दर्ज किया है, किसका नाम पर दर्ज किया है? देखिए बहुत सारे नाम है, बहुत सारे लोगों को तो मैं जानता ही नहीं हूँ, स्पेसिफिक कोई लीडर का नाम इसके अंदर में लिखा है, 2 तो लीडर है ही, हम सब जानते हैं उनको, तो उन्होंने ही ऑर्डर दिया था। एक है संचबीर सुब्बा, रूबेन लेपचा, बिदुर राय, विनय घिसिंग, भुवन खनाल, अमित बसनेत, इमेन लेमचा, कुणाल प्रधान, संतोष भुजेल, प्रोनाउंस करने में गलत हो तो बता देना, विक्रम छेत्री, डेनियल लेपचा, पंकज छेत्री, देनिश भुजेल, मिस गायत्री मुखिया, विनीता छेत्री, सेंदु प्लामा, कैलाश भुजेल, चेंगजो लेपचा, रिबेन लेपचा, पास्कल लेपचा, राम सीधे लेपचा, कुंटू लेपचा, मदन तामांग, भीम बहादुर राय, संजय राय, विनोद राय, रविन लेपचा, दिनेश भुजेल, अनित छेत्री,
येदु लेपचा, विनोद भुजेल, राजेन भुजेल, पारस तामांग, ये क्या है, लेमेंट भुजेल, विकास तामांग, प्रकाश भुजेल, बालकुमार भुजेल, ताराबीर भुजेल, मधु शेरिंग लेपचा, संगमित लेपचा, बीरबहादुर भुजेल, मारसिंह लेपचा, डोनल लेपचा, प्रेम दोरजे लेपचा, और उसके अलावा करीब 80 से 100 लोग और थे जिनको हम लोग नाम नहीं लिख पाए या बहुत सारे लोगों को हम जानते नहीं हैं, बट पुलिस के पास सब कुछ रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है, वीडियो फुटेज है, फोटो की क्लिप्स हैं। अगर वो चाहें ईमानदारी से इस चीज़ की जांच करना वो कर सकते हैं। मेरी पुलिस से यही निवेदन है कि इस तरह की घटना नहीं घटनी चाहिए। प्रोटेस्ट आप कर सकते हो, लेकिन प्रोटेस्ट के नाम से किसी रिप्रेजेंटेटिव को, विधायक की, सांसद की आप हत्या करने की साजिश नहीं रख सकते। इनके ऊपर कड़ाई से जो है एक्शन होना चाहिए, और इस चीज़ को मैं यहाँ नहीं छोड़ूंगा, ये विषय मैं पार्लियामेंट में रखूँगा। प्रिविलेज कमिटी कहीं ना कहीं इसके लिए मैं आहत हुआ हूँ, ये मैं पार्लियामेंट के अंदर में भी ये विषय रखूँगा, उस कमेटी के अंदर में विषय रखूँगा। और मुझे दुख है कि SP और IC थाने में बैठे हैं, उसके बावजूद भी यह घटना घटी मात्र यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर। अभी आप थाने में आए हैं, क्या SP साहब से मुलाकात हुई इस बात में कोई? मैं बात भी SP साहब से मिलने जा रहा हूँ, IC साहब से मिला, उन्होंने मुझे बताया, मैं खुद भी नया आया हूँ, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो हो सकता है उनको ज़्यादा आइडिया नहीं होगा कि यहाँ किस तरह की चीज़ें होती है, बट मतलब उनसे मैं मिल लिया, अभी मैं SP साहब के पास जा रहा हूँ, मैं उनको भी अपने विषय रखूँगा, क्योंकि आपको मैंने व्यक्तिगत फ़ोन करके बताया था, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी घटना घटी। आज तो चलो मैं बच गया, अगर मर जाता तो जिम्मेदारी किसकी होती? ये जो घटना घटी है इसके ऊपर कोई संदेश था, मतलब कुछ भनक मिली थी क्या? देखिए, कल से एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज चल रहा है कि राजू बिष्ट पहाड़ आएंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, सब समष्टि से 5-5 गाड़ियां आप फूको और लेकर के आओ। ठीक है, प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी में राइट है, कर सकते हैं, काला झंडा दिखा सकते हैं, पुतला फूका वो भी फूक सकते हैं। अरे भैया, पुतला ही फूकना है तो आप उनका फूको ना। कल भी जो है टेलीविजन के ऊपर में एक महिला दास जो है खड़े होकर बोल, तन्वी दास, ये बोलती है कि ये सारे गोरखा जो है ये जो है इमिग्रेट होके बाहर विदेश से आए हैं, ये विदेशी है, इनको यहाँ से हटाओ, आप पुतला उनका फूको ना। आप वो तो नहीं करते, लेकिन दुख मुझे इस बात का होता है, एक ही समाज के हमारे ही साथी भाई लोग जो है आज थोड़े पैसे के लालच में अपनी जाति को बेच चुके हैं, अपने माटी को बेच चुके हैं, और अपनी जात का कोई सांसद है उनके ऊपर इस तरह के अत्याचार करने को फिर भी तैयार है, मुझे दुख इस बात का है। तो आज का जो प्रोग्राम होना था वो तो नहीं हो पाया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे, मैं उन बच्चों से मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं जा नहीं पाया क्योंकि वो सिचुएशन ऐसा नहीं था। पीछे भी दार्जिलिंग में घटना घटी थी, बट ठीक है, वो प्रोटेस्ट था, वो अच्छा था प्रोटेस्ट, ठीक है, आप एक जगह खड़े रहे और आपने प्रोटेस्ट किया, मेरे 4 घंटे ख़राब किए, लेकिन वहाँ पत्थर नहीं चली, कोई खुकरी लेके नहीं खड़ा था। लेकिन आज तो ये तो एकदम पूरा एम्बुश करके बैठे थे, धड़ाधड़ जो है खुकरी चल रही थी, हमारे बहुत सारे वॉलंटियर्स को लात घुसे पड़े, मेरे गाड़ी पर पत्थर फेंका, वो पत्थर मेरे को फेंका था, वो तो मैंने एक लड़का खड़ा कर दिया था तो उसके छाती में लगी, और एक जो मेरे साथ जो PSO था, पुलिस वाले थे बेचारे, उनके पैर में पत्थर पड़ी, उनको भी मार पड़ी। तो मतलब इतनी ये बड़ी डरावनी सी सिचुएशन थी, इसलिए मैं आगे नहीं जा पाया, क्योंकि मुझे लगा कि कहीं और सिचुएशन और ख़राब ना हो जाए, तो मैंने बेहतर समझा कि मैं वहीं से वापस आ जाऊँ, तो मैं वहीं से वापस आ गया। बट उन बच्चों से आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, देखिए, बच्चे मन के सच्चे, और आज के बच्चे कल का भारत, मैं ज़रूर उनसे मिलने जाऊंगा, और आज का कार्यक्रम में तो शरीक नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर जाऊंगा और उनसे ज़रूर मिलूंगा। देखिए, मेरी तो इच्छा ही है, मैं कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, मिरिक, खरसिंग के चक्कर कम लगाता हूं, मैं चाहता हूं गांव-गांव जाऊं, लोगों से मिलूं, लोगों के साथ एक आत्मीयता बने, लोग इतने मतलब बूढ़े बुजुर्ग लोग इतने प्यार से वोट दे करके किसी नेता को जाते हैं, जिताते हैं, और बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं आज तक हमने अपने नेता को देखा ही, तो मेरी इच्छा रहती मैं दूर दराज गाँव में जाऊँ, लेकिन जहाँ भी जाता हूँ इस तरह की घटना घटती है, मुझे लगता है ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, और लॉ एंड ऑर्डर जो चलाते हैं बंगाल में उनके लिए सबक है, उनके लिए जो है ये शर्मिंदगी की बात है। ये जो घटना घटी है इसके पीछे कोई पश्चिम बंगाल सरकार का भी ये साजिश लगता है आपको? देखिए, मतलब इसमें कोई ऐसे कोई साजिश लगता है नहीं लगता वाला विषय नहीं है। आज कहीं ना कहीं सारी जनता को, इंक्लूडिंग माइसेल्फ, मुझे भी ये लगता है कि पुलिस कहीं ना कहीं जो है TMC की B टीम बन करके काम करती है।
मतलब आज तक बंगाल में सीपीएम ने इतने साल 34 साल राज किया, लेकिन पुलिस हमेशा स्वतंत्र थी, वो अपनी तरीके से जो है लॉ एंड ऑर्डर को देखती थी। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है टीएमसी जो है पुलिस के माध्यम से पूरे बंगाल को कंट्रोल करना चाहती है, ये जो है दुखद बात। तो आने जाने का फिर अगर मैं दिन में आपका विजिट फिर रहेगा पहाड़ क्षेत्र रहेगा ना मैडम, मैं भी गोरखाली हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ, और मैं आज भी चले जाता, लेकिन मुझे लगा कि उसकी वजह से कहीं सिचुएशन ख़राब नहीं हो, मैं इसीलिए नहीं गया, बट मैं आऊँगा, मेरा कार्यक्रम मैं गाँव गाँव में जाऊँगा, सबसे मिलूँगा, इतने सारे लोगों ने जिताया है, और जो है अपने लोगों के लिए अपनी मिट्टी के लिए 11 शहीद भाई हुए हैं, उन्होंने हंसते हंसते अपनी जान दी है, तो हमारा भी फर्ज बनता है वहाँ पे हम भी कुछ अपनी आहुति दें। और मुझे इस बात का जो है बिल्कुल भी वो नहीं है, भय नहीं है, और इस तरह की घटनाएं जो है नेताओं को डराती नहीं, बल्कि ओल प्रबल मतलब प्रबल बनाती है, और जनता इतना प्यार करती है। मैं देखता हूँ आज भी जहाँ कार्यक्रम में गया, रास्ते में इतने सारे लोग जो है बड़े बुजुर्ग सीनियर लोग बैठे थे, इतना उन्होंने स्वागत किया, सत्कार किया, फूलमाला पहनाया, ये सब चीज़ें हैं, बट ये थोड़े से लोग हैं जो वातावरण को दुष्ट करके जो है रखे हुए हैं। मुझे लगता है उनको ये समझ लेना चाहिए कि हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं, भले ही हम बंगाल में हो, लेकिन ये भी भारत का हिस्सा है। उनको समझ लेनी चाहिए कि कानून जो है ज़रूर कार्रवाई करेगी, और अगर इस तरह से आप घटना करोगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके लिए आने वाले समय में ये बड़ा जो है दुखद होगा। मिस्टर जी ये समय के काम गर्नु भएको छैन भने मानिसहरुको गुनासो अघि आइराछ के भन्नु त्यस्तो हो। अच्छा यति भन्नु, 5 महिना भयो सांसद भएको है, आज सुबुन पहाडको विषयलाई लिएर जति कुरा मैले पार्लियामेन्टमा राखेँ, जति मिनिस्टरलाई भेटेर मैले आफ्नो जति पनि पहाडको समस्या तराईको डुवर्सको राखेँ, आज सुबुन कुनै सांसदले राखेको थिएन। मैले के भनेको थिएँ, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन। मैले पार्लियामेन्ट पनि यो विषय दुई खेप राखिसकेँ, त्यसका लागि म पिएमओ अफिसमा पनि 4 दिन अगाडि गएर भेटेँ, त्यो कुरा पनि प्रोसेस हुँदैछ, त्यसमाथि काम हुँदैछ। अब सबभन्दा पहिले म सबै ओल पार्टीलाई लिएर गृहमन्त्रीजी मुख्य प्रधानमन्त्रीजीलाई भेटेर त्यो हामीहरू प्रोसेस अघि बढाउनु छु, त्यति मात्रै नबढा 11 जातिको कुरा चल्दैछ। आज यहाँ बोनसको लागि यत्रो भयङ्कर आन्दोलन, के जरुरत हो पोलिटिसियन त बोनसमा कुद्नको लागि? हमेसा बोनसका लागि हामीहरूको ट्रेड युनियन र हामीहरूका मजदुर वर्कर उनीहरू मिलेर आफै सरसल्लाह गरेर भइहाल्थ्यो, यो पालि कुरा मिलेन, त्यहाँ पोलिटिसियन कुद्ने केही कुरै नै थिएन। अब पोलिटिसियन कुरेर पनि के भयो, अल्टिमेटली 20% भने, आज पाउन त 12% त पाएँ, त 12%का लागि तपाईँलाई बधाई छ, अरू 8% फेरि आएका बेला त्यतिखेर पाउँछ पाउँदैन पाएका बेला हेरौँला। हेर्नुहोस्, कुरा गर्दा धर्ना दिएर मात्रै पनि काम हुँदैन। म तपाईँलाई भन्छु, जुन यो चाय बगानको मुद्दा छ त्यसमा मिनिमम वेज, अब यो मिनिमम वेज बङ्गाल सरकारले लागू गरेको थिएन आज यो अवस्था नै आउँदै थिएन। बोनस माग्नका लागि हामीले भिख मागे जस्तो हात फलाउने हाम्रो श्रमिकले जरुरत आवश्यकता नै पर्ने थिएन, तर मिनिमम वेज एक लागू गरेकै छैन। तर म भन्न चाहन्छु तपाईँलाई, यो पार्लियामेन्ट अस्ति एउटा बिल पास भयो कोड अन वेजेस, अब यो 18 नोभेम्बरदेखि जुन पार्लियामेन्ट सेसन चालु हुँदैछ त्यसमा एउटा बिल आउँदैछ ओएचएस कोड भन्ने, त्यो बिल आएका बेलामा चाहिँ यो पिएलए एक सबै सब्जीमा भर खतम हुन्छ, र हामीहरूका सबै मजदुरले अरू इन्डस्ट्रीमा पाए जति नै मिनिमम वेज यिनीहरूले पाउँछन्, कमसेकम 300-350 रुपियाँ यिनीहरूले मिनिमम वेज पाउँछन्, र त्यसका लागि म काम गर्दैछु, र प्र्याक्टिकली यो काम अघि 1-1.5 महिनामा तपाईँले भएको देख्नुहुनेछ। र त्यति मात्रै नभएर अरू यहाँ हिमुल जुन प्रकारले यिनीहरूले पहिले सिपिएमले नष्ट गरो, अलिकति बचेको थियो टिएमसीले खतम गरो, त्यसलाई कसरी हामीले होर्टिकल्चरलाई कसरी बढाउने, यहाँको जुन एजुकेसन सिस्टम छ त्यसलाई इम्प्रुभ कसरी गर्ने, हेल्थको सिचुएसन मैले नर्थ बङ्गाल मेडिकल कलेज हेरेर यस्तो कियोस बनाइरहेको छ, त्यसमा के इम्प्रुभमेन्ट गर्न सक्छ, केन्द्र सरकारले कति चिठीहरू पठाइसक्यो बङ्गाल सरकारलाई, सांसदले विभिन्न प्रकारका कुराहरू राखेको छ, यसका लागि तिमीहरू हेर डिपिआर बनाऊ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाऊ, केन्द्र सरकार तयार छ हेल्प गर्न, तर केही गर्दै त गर्दैन स्टेटले। बट एनिवे, मैले त्यसका लागि केही हार मानेको छुइनँ, एउटा सांसद हुनुको नाते मैले जुन प्रकारको जनताले एउटा वादा भरोसा दिएको छु त्यसमा म आज पनि कायम छु, त्यसका लागि म रात दिन मेहनत गर्दैछु, र जति पनि म तपाईँका माध्यमदेखि आज पनि भन्न चाहन्छु, जति पनि वचन मैले दिएको छु यो आउँदो 5 सालमा म गरेर देखाउँछु। विष्टजी, तपाईँले बारम्बार पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन के हुन, तपाईँले बारम्बार त्यही पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन कुरा गर्नुहुँदैछ, शीतकालीन सत्र नजिकै आइरहेछ, के यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको कुरा शीतकालीन सत्रमा यहाँको जनताले आशा गर्न सक्छ? हेर्नुहोस्
अस्ति जुन फर्स्ट ताली पनि पार्लियामेन्ट चालु भयो त्यतिखेर नि मैले कुरा राखेको, यो शीतकालीनमा पनि म कुरा राख्छु। अब हामीहरूको काम हो डिमान्ड गर्ने, हामीले गरिरहेको छौँ सर। अल्टिमेटली दिने त हामीहरूका गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीजी हुन् नि त, उनीहरूले पनि आफ्नो पुरा उसमा के अरे मेनिफेस्टोमा एकदम छापेका छन् गोर्खाका लागि 11 जाति र पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन दिन्छु भनेर, एकदम टप प्रायोरिटीमा। अस्ति दिए त जम्मू काश्मीरलाई दिए त हामीहरूको नि पालो आउँछ नि, त्यही भएर अलि पर्खिनुहोस्, हामीहरूको नि पालो आउँछ। किनभने गोर्खाले आज दुःख पाएका छन्, खालि दार्जिलिङ कालिम्पोङ मात्रै होइन देशभरमा बस्ने गोर्खाले दुःख पाएका छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरूका प्रधानमन्त्रीजी गृहमन्त्री दुईजनालाई यो संज्ञानमा छ। यो जुन तन्वी दत्तको बयानले अहिले पहाड तातिरहेछ, यो एउटा बिजेपीको प्रोपोगान्डा हो भनेर हर्कबहादुर स्वयंले पनि आरोप लगाइरहेछ, यसलाई के भन्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, हर्कबहादुरजी कोन म चिन्दिनँ, जाप अध्यक्ष ए अच्छा जापका, ऊ त अर्का पार्टीको उसले जे बोल्दा पनि हुन्छ, उसलाई पनि सायद थाहा छैन होला। बिजेपीले चाहिँ किन भन्नु, मोदीजीले आफ्नो पुरा वक्तव्य दिएका छन्, गोर्खा चाहिँ हामीहरूको हुन्, गोर्खाको त्याग हामी आज जहाँ पनि बोर्डरमा आवश्यकता पर्छ म हामी गोर्खा गयो भने हामीहरूलाई ढुक्क बस्छौँ भनेर मोदीजीले त स्वयं बयान दिनुभएको छ। र त्यो तन्वीजी को हो भने टिएमसीको समर्थक हो, अनि टिएमसीले त बारम्बार आछुन् भनेकै त छ यी गोर्खा विदेशी हुन् भनेर, नयाँ बात कुन छ हो? त्यसले पनि आज त्यही रिपिट गरे। तर म यति भन्न चाहन्छु, म भोलि दिल्ली जाँदैछु, लिगल एक्सन लिन्छु तन्वी दासको उपमा।